हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, फटाफट हम पहले पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। अगर आपने बनाया है तो आप उसे मिला लीजिए, जहाँ पर भी गलती है वहाँ पर सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का इस्तेमाल, ओके फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखा करो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। नहीं सीखना है, खाली चेक करने के लिए आए हो तो आप अभी बाहर निकल जाओ। ओके फ्रेंड्स, उसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, हैज़ और हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको आजकल हम वर्ब यानी क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, बट आज हम जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिया के रूप में भी उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताएंगे, हम समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है। मेरे पास एक गन है, मुझे एक गन है, मैं एक गन रखता हूँ। मेरे पास एक गन है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे एक गन है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं एक गन रखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तीनों का मतलब एक ही हुआ। ओके, लेकिन इंग्लिश में हम इसको आजकल कई तरीक़ों से बोला जाता है, जिसमें से हम तीन तरीके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे आई हैव अ गन, आई हैव अ गन। जो दूसरा तरीका है आई हैव गॉट अ गन। ओके फ्रेंड्स, पहला तरीका आई हैव अ गन, दूसरा तरीका आई हैव गॉट अ गन। हैव के बाद गॉट लगाना है, सिंपल। और तीसरा जो तरीका है आई एम हैविंग अ गन। ओके फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है वो आई एम हैविंग अ गन है। ओके फ्रेंड्स, ये तीन तरीकों से बोला जाता है आजकल। आई हैव गन भी कोई बोलता है, आई हैव गॉट अ गन भी बोलते हैं, आई एम हैविंग अ गन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, उसके पास पैसे हैं, उसे पैसे हैं या वो पैसे रखता है। तीनों का मतलब एक ही निकलता है, बट इंग्लिश में हम तीन तरीके से बनाते हैं। ही हैज़ मनी, जो दूसरा तरीका है ही हैज़ गॉट मनी। जो तीसरा तरीका है ही इज हैविंग मनी। ओके फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है उसमें हम इज आर एम का सिंपली यूज करेंगे, जिसके साथ हम इज लगाते हैं इज लगाएंगे, जिसके साथ आर लगाते हैं आर लगाएंगे, जिसके साथ एम लगाते हैं एम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम हैविंग लिखेंगे। अब इसमें ये मत समझना आप कि ही के साथ हैज लगता है तो हैजिंग लगाएंगे, ऐसा मत समझना। ही इज हैविंग होगा, हैजिंग नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी के पास कार है, तुम्हारे पिताजी को एक कार है, या तुम्हारे पिताजी एक कार रखते हैं, तीनों का मतलब एक ही निकलता है। इंग्लिश में बनाते हैं योर फादर हैज अ कार। दूसरा तरीका है Your father has got a car. Your father has got a car. Okay, friends? तीसरा जो तरीका है तुम्हारे पिताजी एक कार रखते हैं, तो your father is having a car. Okay, friends? ये हम तीन तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं। आप तीनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप बोलो। बोलते वक्त आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करूं, आपको जस्ट बोल देना है तीनों में से कोई भी, आपको जो भी आपको सबसे पहले ज़बान पर आता है वो आपको बोल देना है। लेकिन तीनों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि सामने वाला तीनों में से क्या इस्तेमाल करेगा। इसलिए अगर आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे और उसका आप रिप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाते हैं। बट एक चीज़ और, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हैज़ कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई और यू को एक बार छोड़ दो। आई और यू को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में जब हम एक की बात करेंगे
तो उसके साथ हैज लगेगा, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें हैज लगेगा, और प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट तो उसमें हैव लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आई और यू के साथ फिक्स होता है, आई के साथ हैव और यू के साथ भी हैव। ओके फ्रेंड्स, बाकी इन दोनों को छोड़कर अगर सेंटेंस में हम एक की बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक है तो उसमें हैज लगेगा, और सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा है तो उसमें हैव लगेगा। जैसे राम के पास एक किताब है तो राम हैज़ अ बुक, या राम हैज़ गॉट अ बुक, या राम इज़ हैविंग अ बुक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर राम एक ही है। अगर हम बोलेंगे राम के पास चार किताबें हैं तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है कि राम, राम के पास चार किताबें हैं। काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम के पास चार किताबें यानी बहुवचन हो गया तो राम हैव हो जाएगा। नहीं, राम एक ही है ना, सब्जेक्ट एक ही है, किसके पास है, जिसके पास है वो एक है तो उसमें हैज ही लगेगा, आई और यू को छोड़ के। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, या मुझे बहुत सारी कुर्सियां हैं, या मैं बहुत सारी कुर्सियां रखता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में भी तीन तरीके हैं। तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे कि आई हैव सो मैनी चेयर्स, आई हैव गॉट सो मैनी चेयर्स, या आई एम हैविंग सो मैनी चेयर्स। तुम्हारे पिताजी गाय रखते हैं, यानी तुम्हारे पिताजी के पास गाय हैं, या तुम्हारे पिताजी को गाय हैं। योर फादर हैज़ काउस, योर फादर हैज़ गॉट काउस, योर फादर इज हैविंग काउस। तुम्हारी माँ को साड़ी है, योर मदर हैज़ साड़ी, योर मदर हैज़ गॉट अ साड़ी, योर मदर इज हैविंग अ साड़ी। तुम्हारे भाई के पास दो खिलौने हैं, योर ब्रदर हैज़ टू टॉयज, योर ब्रदर हैज़ गॉट टू टॉयज, योर ब्रदर इज हैविंग टू टॉयज। उन लोगों के पास नई कार है, दे हैव न्यू कार, दे हैव गॉट न्यू कार, या दे आर हैविंग न्यू कार। मेरे पड़ोसी के पास नई बाइक है, माई नेबर हैज़ न्यू बाइक, माई नेबर हैज़ गॉट न्यू बाइक, या माई नेबर इज हैविंग न्यू बाइक। हाथी के चार पैर होते हैं, द एलिफेंट हैज़ फोर लेग्स, द एलिफेंट हैज़ गॉट फोर लेग्स, द एलिफेंट is having four legs। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, you have lots of money, you have got lots of money, you are having lots of money। उन लोगों के पास कुछ हथियार हैं, they have some weapons, they have got some weapons, they are having some weapons। तुम्हारी बहन के पास दो इंग्लिश की किताबें हैं, योर सिस्टर हैज़ टू इंग्लिश बुक्स, योर सिस्टर हैज़ गॉट टू इंग्लिश बुक, योर सिस्टर इज हैविंग टू इंग्लिश बुक्स। उन लोगों के पास पुरानी साइकिल हैं, दे हैव ओल्ड साइकिल्स, they have got old cycle, they are having old cycle। मेरे पास एक कलाई वाली घड़ी है, यानी कि रिस्ट वॉच, I have a wrist watch, I have got a wrist watch, I am having a wrist watch। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छा वे है इस तरह से प्रैक्टिस करने का। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि इसमें सेंटेंस किस तरह से आते हैं, सेंटेंस को आपको पहचानने आ गया, उसके बाद उसके इंग्लिश बनाने के फॉर्मूला आपको पता ही होता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, बस 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस कर डालो, वो सेंटेंस आपके दिमाग में जहन में ऐसे घुस जाएगा कि वैसे सेंटेंस आपके जहन में जब भी आएंगे तो उसका इंग्लिश
अपने आप बाहर निकलेगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बोलने की बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आज के होमवर्क देख लेते हैं। ये रहा आज के लिए होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आप तीनों वे में, मैंने तीन तरीके से बताया, आप तीनों तरीके से इसको बना बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि तीनों फॉर्मूला आपको याद रहे। याद रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद हो जाएगा। तो हर सेंटेंस को आपको थ्री वेज में बनाना है, तीनों तरीके से। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्लास से कुछ फ़ायदा होता हो, थोड़ा बहुत भी अगर फ़ायदा होता हो, अगर आपको लगता है कि ये क्लास इंग्लिश सीखने के लिए अच्छा है, तो हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिनको सचमुच इंग्लिश सीखना है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको ऐसा लगता है कि उसे ऐसे क्लास की ज़रूरत है, तो आप वहाँ तक वीडियो भी शेयर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।